हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे साइंस 10th क्लास के लिए और हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर के 4 वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग। इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण के उपयोग। डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, दांत व गले आदि की जांच करने में, नाई द्वारा दाढ़ी बनाने में, टेबल लैंप के शेडो के रूप में। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग बाजारों तथा गलियों में लगे लैंपों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर कारों में ड्राइवर के सीट के पास किया जाता है, जिससे ड्राइवर पीछे आ रहे व्यक्तियों तथा वाहनों का प्रतिबिंब देख सकता है। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग प्रकाश को फैलाने में व अवतल दर्पण का प्रयोग प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने में किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।